हेलो सर, आपका एक यूट्यूब चैनल है नेचर एंड टूर का। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कमेंट किया तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपने 6 कमेंट लगातार किए हैं हमसे, जो भी आपने कहा है मैंने समझा है, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपने मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देखे हैं और उससे संबंधित अगर उसको देख करके आपने वेबसाइट बनाई है तो 100% बहुत सही वेबसाइट है। मैंने कभी भी इस तरीके कि जो कोडिंग हटा करके या अनरिस्पॉन्सिव करके कोई भी ऐसी थीम आपको बनाने के लिए या मतलब कोड हटा करके और उसको कोर्सली डेस्कटॉप वर्जन में बदलने के लिए नहीं कहा। ये बात सही है और उसको आपने हमेशा मोबो फ्रेंडली में रखा होगा, बेटर है। और मैंने कभी कोई चीज़ गलत नहीं बताया है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। बट ये क्या है कि इसमें जो है गूगल रैंकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी नहीं बहुत हद तक प्रॉब्लम हो जाती है। जहां आज दुनिया जो है AMP बेस चल रही है, अब जब भी मोबाइल सर्च में करेंगे तो AMP आएगा, इंस्टेंट आर्टिकल, जिस तरीके से फेसबुक पे आता है उसी तरीके से अब गूगल भी इसको अप्रूव कर चुका है 16 तारीख को, 16 सितंबर को, जिसके लिए एडसेंस भी अब मान्य है। तो वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और आपने देखा होगा कि अब आप वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो AMP बेस्ड साइटें आपको दिखती हैं, AMP का आपको एक आइकॉन भी दिखता है। तो गूगल इसको मान्यता भी दे चुका है, तो क्यों हम लोग पुराने वर्जन में रहें नए वर्जन में, क्योंकि गूगल भी इसको इंडेक्स करने से कतराता है और वो robot.txt फाइल को हटाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है जो पुरानी साइटों पे रेगुलर्स डायरेक्ट विजिट कर रहा है तो उसकी रैंकिंग तो होनी है, लेकिन नए साइटों के बारे में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए मैं चर्चा करता हूँ। अगर आपने पूछा है कोई कुछ आपको अगर पता है तो बताऊं, तो चलिए बताते हैं क्या है, कैसे फोर्सली किया जाता है। ध्यान रहे कि ये जो सारी थीमें होती है सब पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसे DB जब आप कोई प्रीमियम थीम लेते हैं अगर उससे कहेंगे मैं फोर्सली जो है डेस्कटॉप व्यू में करना चाहता हूँ तो बिल्कुल वो मना कर देगा कि ऐसा संभव ही नहीं है मेरी थीम पर। तो लेकिन जो सामान्य थीमें हैं उस पर बिल्कुल आप कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, मैं टेसरैक्ट के बारे में हमेशा चर्चा करता रहा हूँ, इसी को लेकर के मैं बताऊँगा आपको। तो किस तरीके से, जैसे अभी मैं एक यहाँ मैं अपना नॉक्स प्लेयर ऑन करता हूँ, देखिए ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूँ तो आप देखेंगे कि इस पर कोई बदलाव नहीं आएगा, एकदम सेम वही वेबसाइट है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया। अगर मैं इसको डेस्कटॉप व्यू में कर दूं, यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में, तो आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं आया। मतलब ये वेबसाइट जो है फोर्सली जो है डेस्कटॉप वर्जन में किया गया है। तो अब इसी वेबसाइट को, ये जो वेबसाइट है, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। इस वेबसाइट को डेमो का है ये। इस वेबसाइट को मैं इसी के प्लेयर में एंड्रॉयड में मोबाइल डिवाइस में मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि इसमें क्या है, तो वेट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए मोबो रिस्पॉन्सिव है। तो अगर मुझे इसको, सॉरी ये अभी मोबो रिस्पॉन्सिव नहीं है कम्प्लीटली, ये देखिए मोबाइल में अगर हम करते हैं ये, अब ये देखिए मोबाइल व्यूज़ कुछ इस तरीके से है। अगर हम इसको डेस्कटॉप वर्जन करते हैं तब भी कुछ इस तरीके से है, जो लुक्स बेटर नहीं है। अगर आपको लगता है लुक्स बेटर नहीं है या किसी को भी लगता है और वो फोर्सली चाहता है डेस्कटॉप वर्जन में मेरा हो, तो आपको एडिटर में जाना है, header.php में जाना है और बहुत केयरफुली तरीके से आपको header.php की जो कोर फाइल है उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाए। तो ध्यान रखिएगा, header.php सेक्शन में जाना है। header.php सेक्शन में मैं एक कोड बताऊंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मेटा व्यू पोर्ट कंटेंट विथ, ये देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और आप थोड़ा सा ध्यान देखिए। इस कोड को मैं वर्डपैड में पेस्ट करता हूँ। इस टाइप का कोड आपको जहाँ भी व्यू पोर्ट का कोड मिले, इस टाइप का कोड मिले विथ डिवाइस विथ, तो जो इनिशियल स्केल 1 है, इस टाइप का अगर आपको कोड मिलता है तो उसको आप फोर्सली यहाँ से हटा दीजिए। हटाने के बाद सेव कर लीजिए, बट
मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि कृपया इसको कॉपी करके पूरी फाइल को रखें, आपकी वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है। तो फिर भी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अगर हम वेबसाइट पे चलते हैं तो वेबसाइट पे तो कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो, सॉरी यहाँ पे हमें चलना है विजिट पे। साइट को विज़िट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कोई बदलाव तो आया नहीं, क्योंकि ये डेस्कटॉप है। लेकिन अगर हम ये नॉक्स प्लेयर में चलते हैं और ये पे देखिए डेस्कटॉप व्यूज़ है, और अब हम इसको मोबाइल व्यूज़ में करते हैं और मोबाइल व्यूज़ में भी देखिए डेस्कटॉप व्यूज़ आने लगा है। तो ये बिल्कुल देखिए, आप डेस्कटॉप व्यूज़ करिए तब भी ऐसे ही आएगा, और अगर मोबाइल व्यूज़ करिए तब भी ऐसे आएगा। तो आपको पता चल गया किस तरीके से फोर्सली हम किसी भी थीम को इस तरीके से हम उस व्यूज़ में ला सकते हैं। तो अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं तो कोई भी वेबसाइट हो, हाँ ये अलग बात हो सकती है कि जैसे उनके सेक्शन में ऊपर नीचे में स्पेस की प्रॉब्लम है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बिल्डर का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं एक बिल्डर बता रहा हूँ जो बहुत ज़बरदस्त बिल्डर है, और उसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर प्रो आप इस्तेमाल करिए, जिससे आप बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन कर पाएंगे अपने प्लगइन्स के माध्यम से। एलिमेंटर का आपको दोस्त प्रयोग करना पड़ेगा, और इस एलिमेंटर का प्रयोग आपको प्रो वर्जन में करना पड़ेगा। शायद $59 है इसकी कॉस्ट, एलिमेंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपको परचेस करना पड़ेगा, उस पर जो है आप अपने हाइट को बेटर कर सकते हैं, या आपके पास ऐसी कोई थीम है तो कर सकते हैं। क्योंकि प्रो थीम जो है, प्रो थीम जितनी भी हैं वो इसकी अनुमति नहीं देती हैं कि आप फोर्सली जो है इस चीज़ को हटा दें। क्योंकि अगर मैंने फोर्सली जो है कई थीम पे ट्राई मारा तो उसने क्या किया, पूरी वेबसाइट को क्रैश कर दिया। यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये इस पर आप इस सेक्शन को बकायदा अपने जितना चाहे उतना आप स्पेस छोड़ सकते हैं, तो बेटर रहा। आई होप आपको ये जानकारी मिल गई होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस थीम को अपडेट करें तो कभी भी हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम अपडेट में आए तो वेबसाइट की क्रैश होने की संभावना रहती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये PHP की फ़ाइल हेडर की आपको कॉपी करके रख लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपको ये बात शायद समझ में आ गई होगी। वीडियो जो बनाई थी मैंने, ये किसी स्पेशल के बारे में बताई थी, क्योंकि इन्होंने 6 कमेंट लगे तो लगातार किया था। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अप्रिशिएट किया है मुझे।